तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फेजेस ऑफ ग्रोथ को ख़त्म किया था। आज इस लेक्चर में हम लोग ग्रोथ रेट से स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक आज हम लोग लेंगे वो है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, पहले तो ग्रोथ रेट का हम लोग मतलब समझें कि ग्रोथ रेट एक्चुअली में है क्या। तो ग्रोथ रेट का साधारण जो अर्थ है वो ये है कि ग्रोथ रेट का मतलब होता है ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ के बारे में हम पूरी बात आपको बता चुके हैं। यूनिट समय में यानी इकाई समय में जितनी ग्रोथ होती है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रोथ पर यूनिट टाइम, दैट इज़ ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट जो है वो दो तरह का होता है। एक कहलाती है अरिथमेटिक और दूसरा कहलाता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। सबसे पहले हम लोग आते हैं अरिथमेटिक पर। तो जो ग्रोथ कांस्टेंट रेट से हो रही होती है, यानी ग्रोथ अक्रिंग, ग्रोथ अक्रिंग एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से एक रफ्तार से जो चल रही हो, जहाँ पर रेट यानी पर यूनिट टाइम जो ग्रोथ है वो एक सा हो, वो बदल ना रहा हो, कांस्टेंट हो, इसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। अब अरिथमेटिक ग्रोथ रेट को समझाने के लिए हम यहाँ पर एक सेल लेके चल रहे हैं और ये सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है। जब ये सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, ये जो शेडेड हम पार्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये कि ऐसा सेल है जो डिवाइड कर सकता है। ये डिवाइड करके इसने दो सेल बनाए, इसमें से एक सेल ऐसा है जिसमें अभी भी डिवीज़न की कैपेसिटी है और दूसरे सेल ने डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ कर दिया। अब ये जो सेल है जिसके अंदर डिवीज़न की कैपेसिटी है इसने फिर डिवाइड किया और इसने डिवाइड करके फिर दो सेल बनाए। ये तो वो वाला सेल है, ये वाला जो डिवीज़न की कैपेसिटी पहले ही लूज़ कर चुका है, और ये दो सेल जो हैं वो इस डिवाइडिंग सेल से बने हैं। अब इन दोनों सेल में से एक सेल तो डिवीज़न की कैपेसिटी रखेगा और दूसरी लॉस कर देगा। नेक्स्ट स्टेप पे ये वाला सेल फिर से डिवाइड करेगा और फिर दो सेल बनाएगा। ये दो सेल तो ये वाला ये है, ये वाला सेल ये है, यानी ये दो सेल्स जो हैं वो पहले डिवीज़न कैपेसिटी लूज़ कर चुके हैं। इस सेल से दो सेल बने, उसमें से एक में डिवीज़न की कैपेसिटी और एक ने डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ कर दिया। यानी हर स्टेप पे सेल डिवाइड कर रहा है और सेल के डिवीज़न से दो सेल बन रहे हैं, उसमें से एक सेल डिवीज़न शो कर रहा है और एक सेल डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ कर दे रहा है। अब शुरुआत से देखा जाए, यहाँ पर एक सेल था, यहाँ पर 1+1 सेल हो गए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1+1+1 सेल हो गए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1+1+1+1। शुरुआत में एक सेल था, ये सेल डिवाइड करके बना दिया दो सेल, आप लिख सकते हैं 1+1। दो सेल से तीन सेल बने जिसको हम लिख सकते हैं 1+1+1। तीन सेल से चार सेल बने, लिख सकते हैं 1+1+1+1। देख सकते हैं आप हर स्टेप पे केवल एक सेल ही ऐड हो रहा है। यहां पर दो थे, एक सेल ऐड होके तीन हो गया,
यहाँ तीन थे, एक सेल ऐड होके चार हो गया। यानी जो सेल के डिवीज़न का रेट है, यानी कहीं पे जो ग्रोथ का रेट है, वो कांस्टेंट है। कितना आ रहा है? एक, हर स्टेप पर एक सेल ऐड हो रहा है। ये कहलाता है ग्रोथ अकरिंग एट कांस्टेंट रेट। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कि यहाँ पर जो अरिथमेटिक ग्रोथ है, इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट करा जाएगा। इस जगह पर हम किसी ऑर्गन की लेंथ ले ले रहे हैं और यहाँ पर हम टाइम ले ले रहे हैं। किसी भी ऑर्गन की शुरुआती, जहाँ से हमने एग्जामिनेशन एक्सपेरिमेंट शुरू किया होगा, वहाँ पर लेंथ ज़ीरो तो नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि इतनी लेंथ थी और यहाँ से हमने ग्रोथ को देखना शुरू किया। और देखा ये जाता है कि अरिथमेटिक ग्रोथ के केस में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, जो ओरिजिन से पास नहीं होती बल्कि वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटती है। इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी है, उसको लिखते हैं हम लोग एल टी बराबर एल ज़ीरो प्लस आर टी। अब यहाँ पर जो नोटेशंस यूज़ किए गए, इनकी मीनिंग देखिए। एल टी यहाँ पर है लेंथ आफ्टर टाइम टी, यानी कुछ समय बाद कितनी लेंथ हो गई। एल ज़ीरो है जो शुरुआत में लेंथ थी, ये एल ज़ीरो। टी बराबर ज़ीरो पर जो लेंथ रही होगी उसे एल ज़ीरो कहेंगे। टी आफ्टर टाइम टी जो लेंथ है वो एल टी है। आर यहाँ पर ग्रोथ रेट है और टी वो समय है जितने समय बाद आप लेंथ को निकाल रहे हैं कि लेंथ बढ़कर इतने समय बाद कितनी हो गई होगी। तो ये अरिथमेटिक ग्रोथ हुई। अगले पार्ट में हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ पे। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट नहीं होता, यानी जो ग्रोथ हो रही है वो कांस्टेंट रेट से नहीं होती। एक सेल से जितने, एक सेल से दो सेल बनेंगे, दोनों सेल के अंदर डिवीज़न की कैपेसिटी होगी। दो सेल से चार सेल बनेंगे, चारों सेल में डिवीज़न की कैपेसिटी होगी। यानी ऑल द डॉटर सेल रिटेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सेल का उदाहरण लेके चलते हैं कि मान ले कि यहाँ पर एक सेल है और ये डिवाइडिंग है, हमने शेड कर दिया है, डिवीज़न वाला सेल है, ये वन हो गया। ये डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, इन दोनों सेल में डिवीज़न की कैपेसिटी होगी। अब ये दो सेल डिवाइड करके चार सेल बनाएंगे, चारों सेल में डिवीज़न की कैपेसिटी होगी। यानी यहाँ देखिए, एक से दो सेल हुए, दो से चार सेल हो गए। यहाँ पर क्या हुआ था, दो सेल से तीन सेल हुए थे, तीन से चार, हर स्टेप पे प्लस वन हो रहा था। यहाँ पर क्या है कि एक से दो हुए, दो से चार हुए, यानी हर स्टेप पे जितने सेल्स प्रेजेंट हैं उसके नेक्स्ट स्टेप पे उस सेल की दुगनी संख्या हो जाती है। वन का दुगना टू, टू का दुगना चार। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहलाती है। जब सेल की संख्या पिछली संख्या से जस्ट डबल हो जाए तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ, और जब सेल की संख्या पिछली संख्या में केवल प्लस वन करके आ जाए तो अरिथमेटिक ग्रोथ। अब हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ भी बनाते हैं। इसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा अलग आता है। यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे हैं वेट, और इस तरफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग टाइम। अब यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो बड़ा जाना पहचाना सा है। ये ग्राफ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसे सिग्मॉइड शेप ग्राफ कई पढ़े रहते हैं हम लोग के। यहाँ पर क्या होगा कि शुरुआत में तो जो वेट है वो टाइम के हिसाब से कम बढ़ेगा, अचानक इसमें बहुत तेज़ी आ जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगी। यानी यहाँ पर ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, समय बढ़ता रहेगा लेकिन ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। जबकि यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्रोथ हल्के बढ़ी, इस पार्ट में ग्रोथ तेज़ी से बढ़ी और इस पार्ट में ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट हो गई, एक सी हो गई। जहाँ पर ग्रोथ हल्के हुई उस पार्ट को हम लैग फेस कहते हैं,
जहाँ ग्रोथ तेज़ी से हुई उस पार्ट को हम लॉग फेस कहते हैं, और जहाँ ग्रोथ कांस्टेंट हो गई उसको हम स्टेशनरी फेस कहते हैं, स्टेशनरी फेस। अगर कोई पूछे कि कुछ समय बाद ग्रोथ स्टेशनरी क्यों हो गई, ऐसा क्यों नहीं है कि लगातार बढ़ती रही, तो कहते हैं कि ग्रोथ कुछ समय बाद इसलिए कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि हल्के हल्के न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो जब न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो है वो वेट बढ़ेगा नहीं, यानी नए सब्सटेंसेस बनेंगे नहीं क्योंकि न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज है। जब नए सब्सटेंसेस नहीं बनेंगे तो वेट उतना ही रह जाएगा, यानी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। दूसरा कारण स्टेशनरी फेज़ अचीव होने का ये भी है कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है उस जगह में टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन होता चला जाता है। टॉक्सिन्स के प्रोडक्शन के कारण भी ग्रोथ हल्के हल्के स्लो होती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है। इसके लिए भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसे हम लोग कहते हैं डब्लू टी बराबर डब्लू नॉट ई की पावर आर टी। यहाँ पर डब्लू नॉट का मतलब है इनिशियल वेट, डब्लू टी का मतलब है वेट आफ्टर टाइम टी, ई जानते हैं नेचुरल लॉगरिथम है, आर यहाँ पर ग्रोथ रेट है, एंड टी इज़ द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द वेट इज़ टू बी फाउंड। तो ये है ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट। तो ग्रोथ रेट दो तरह की है, एक अरिथमेटिक और दूसरी ज्योमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ रेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब ग्रोथ रेट के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट पढ़ेंगे। इसके लिए हम दो लीव्स लेके चलेंगे, एक छोटी लीफ है और एक थोड़ी बड़ी लीफ। जो छोटी लीफ है इसके लमाइना का एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो बड़ी लीफ है इसके लमाइना का एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटी लीफ के लमाइना का एरिया कम और बड़ी लीफ के लमाइना का एरिया ज़्यादा। अब इस छोटी लीफ और बड़ी लीफ में ग्रोथ हुई, प्रैक्टिकली देखा ये गया कि इस छोटी लीफ में ये छोटी लीफ बढ़ के इतनी बड़ी हो गई, और देखा यह गया कि जो एरिया नया यहाँ पर बना वो था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना नया एरिया ग्रोथ की वजह से बना, और इतना एरिया बना एक दिन में, यूनिट टाइम में, पर डे। बड़ी लीफ में भी ग्रोथ को देखा गया, ये एरिया वो है जो बड़ी लीफ का बढ़ गया है, ये भी देखा गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है पर डे। तो दोनों लीफ में जो अपना एरिया इनिशियल एरिया था, छोटी लीफ का कम बड़ी लीफ का ज़्यादा, लेकिन दोनों में एक दिन में होने वाली ग्रोथ सेम है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी है। पहला टर्म हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेते हुए डिस्कस करेंगे, और पहला टर्म है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में AGR लिखा जाता है। AGR का मतलब देखिए क्या है, AGR का मतलब होता है कि यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, यानी ग्रोथ पर यूनिट टाइम ही इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, जितनी ग्रोथ यूनिट टाइम में हुई उस ग्रोथ को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अब हम लोग इस लीफ का नाम रख देते हैं ए लीफ, इसका नाम रख देते हैं बी लीफ। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ए लीफ में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी है, यानी यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, तो हम कहेंगे यूनिट टाइम तो यहाँ डे है, और ग्रोथ कितनी हुई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगर ए लीफ का AGR देखा जाए, यानी AGR ऑफ ए लीफ, वो बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। बड़ी लीफ पे आ जाएं, इसमें एक दिन में कितना एरिया बढ़ा, इसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो AGR ऑफ लीफ बी
कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। अब साफ दिख रहा है कि दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बराबर है, यानी AGR ऑफ लीफ ए बराबर कितना आ रहा है, AGR ऑफ लीफ बी बराबर किसके आ रहा है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे, यानी दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम। तो ये तो हो गया पहला एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अब हम लोग दूसरे टाइप पे आते हैं ग्रोथ रेट के, उसे कहा जाता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट RGR, रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट का ये मतलब होता है कि इनिशियल साइज के मुकाबले कितनी ग्रोथ हुई पर यूनिट टाइम। ऊपर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो था उसमें इनिशियल साइज को नहीं लिया गया था, यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब यह है कि शुरुआत में लीफ के साइज के मुकाबले लीफ में कितनी ग्रोथ हुई पर यूनिट टाइम। इनिशियल साइज को भी इसमें लिया जाएगा और तब देखा जाएगा कि इनिशियल साइज के रिस्पेक्ट में यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, यानी ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम एज परसेंटेज ऑफ इनिशियल साइज, इनिशियल साइज के हिसाब से। थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इसको। अब देखा जाए RGR निकलता है कैसे, तो RGR का फॉर्मूला होता है, RGR बराबर होता है कितनी ग्रोथ हुई पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज इनटू 100। अब हम लोग पहले निकालेंगे RGR ऑफ ए, RGR ऑफ ए मतलब अब ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ए लीफ का ग्रोथ पर यूनिट टाइम था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनिशियल साइज क्या था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनटू 100 कर दिया कितना आ गया 100%। लीफ बी पे आए, लीफ बी का ग्रोथ पर यूनिट टाइम था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनिशियल साइज था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनटू 100 किया और अब साफ दिख रहा है कि कितना आएगा 10%। साफ है यहाँ पर कि जो RGR है ए लीफ का, इट इज़ ग्रेटर देन द RGR ऑफ लीफ बी। तो ये ग्रोथ रेट के दो पार्ट हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट AGR एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट दैट इज RGR। ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप भी पूछा जा सकता है, कंपैरिजन भी NCERT में इसी डायग्राम की मदद से जो है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट को इस चैप्टर में समझाया गया। तो ये पार्ट हम लोगों का ग्रोथ का पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट में डेवलपमेंट की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।